नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं सतना के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के पास। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इनका मुंबई में इनकम टैक्स विभाग में चयन हुआ था। अक्षय कुमार ने इनके साथ इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाली थी और इस सतना का नाम इन्होंने प्रदेश देश भर में काफ़ी ऊँचा किया है। अभी ये गोल्ड के साथ ये यूरेशियन कप में भी एंट्री कर रहे हैं, तो इनसे हम इनके जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कैसे यूरेशियन कप तक का इनका सफ़र रहा, कैसे इन्होंने इनकम टैक्स विभाग में नौकरी पाई, चयनित हुए, उसके बारे में जानेंगे अपने परिचय से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शॉर्ट में अपना एक परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रतीक सिंह है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ मैं। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। पिछले कई साल के अचीवमेंट बेस पे अभी हाल ही में 16-18 अगस्त में ट्रायल्स बुलाए गए थे जो कि खंडाला महाराष्ट्र में थे। उस पुराने अचीवमेंट को देखते हुए इस ट्रायल में कई बाउट क्लियर करने के बाद मेरा सिलेक्शन यूरेशियन कप 2024 के लिए हुआ है जो कि आर्मेनिया में होने जा रहा है। जो टूर्नामेंट डेट है वो 16th of October 2024 से लेके 24th of October 2024 तक है। आशा है कि इस टूर्नामेंट में मैं कुछ पदक जीत कर आऊँ और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करूँ। अभी जैसा कि इंदौर में एक कूडो प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें भी आपने गोल्ड जीत के सतना का नाम रोशन किया था, तो उसके बारे में कुछ हमारे श्रोता को बताएं। जी, अभी जो इंदौर में प्रतियोगिता हुई थी वो स्टेट टूर्नामेंट हुआ था। तो स्टेट, अगर मैं पुराने अचीवमेंट बात करूँ तो मैं लगातार स्टेट 7 times चैम्पियन, स्टेट चैम्पियन रहा हूँ। इस बार भी मैंने अपनी जो मैं जीतते आ रहा हूँ उसको मेंटेन रखा और ये 7 times मैं स्टेट चैम्पियन बना। और इसके बाद नेशनल टूर्नामेंट जो कि नवंबर में 4 November से लेके 12 November तक होने जा रहा है सूरत में, और जिसमें अक्षय सर भी आएंगे और ये टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप अक्षय सर करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये जो चलता आ रहा था उसको मेंटेन किया और आगे प्रदेश का नाम अब राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी जैसे अगर हम आपकी जर्नी की बात करें कि बचपन में ऐसी कौन सा प्रेरणा स्रोत रहा आपके जीवन में जिसमें आप खेल के मैदान में उतर गए और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं? सर, शुरू में तो मैंने एज अ इंटरेस्ट लिया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। स्पेशली अक्षय सर की मूवी बहुत उस समय, चांदनी चौक टू चाइना, कई मार्शल आर्ट मूवीज़ आई जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर की। फिर कुछ समाज में ऐसी एक्टिविटी भी होते जा रही थी जिससे और इंस्पायर हुआ, कराते, जूडो के साइड। तो काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ एक्यूमुलेट होते होते मैं इस चीज़ को एज अ करियर ऑप्शन बनाने लगा। फिर अचीवमेंट्स अच्छे मिलने लगे। 2014 में मैंने पहला नेशनल गोल्ड जीता। उसके बाद 2017-18-19 मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। लगातार मैंने इंटरनेशनल कूडो कॉम्पिटिशन जो कि अक्षय सर करवाते हैं उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद 2 का फॉल आया क्योंकि कोरोना आ गया था उस बीच में 2020-21। फिर 2022 से अगेन कम बैक किया और अच्छे अचीवमेंट्स दिए और उस बीच में मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स में भी हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी आपने बात की कि खेल के द्वारा आपका इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ, तो क्या प्रभाव पड़ता है काम में और खेल से जुड़े भावना में कि काम को एक साइड रख के आप खेल में जा सकते हैं आगे, या फिर काम का बर्डन ज़्यादा आ जाता है खेल पे? बिल्कुल सर, ये चीज़ तो मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसमें स्पोर्ट्स कोटा से बहुत सारे खिलाड़ी रिक्रूटेड हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है जो हमारे एडिशनल कमिश्नर सर हैं उनका इतना सपोर्ट है कि हम लोग का कोई भी टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो, ऑन ड्यूटी लीव हम लोग को मिलती है, उसकी सैलरीज, उसके जो भी पर्क्स हैं वो हमको प्रॉपर मिलेंगे। और इवन मेरा जब यूरेशियन कप सिलेक्शन हुआ तो उसमें मुझे चीफ कमिश्नर ऑफ मुंबई इनकम टैक्स द्वारा बुलाया गया, इनवाइट किया उन्होंने, फैलिसिटेट किया, और अपने मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट में भी उन्होंने शेयर किया। और वहाँ अच्छी चीज़ ये है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि मेरे साथ कई पैरा एथलीट, ओलंपियन पैरा एथलीट हैं, ऐसे जैसे अजीत सिंह यादव भैया जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है, रूबीना दीदी जिन्होंने जबलपुर की रहने वाली है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कई ऐसे एथलीट के साथ रहने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक दूसरे से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और एक अच्छा एटमोसफेयर है वहाँ स्पोर्ट्स को लेकर। तो जैसा कि हमने प्रतीक सिंह की जर्नी के बारे में जाना और हम आशा करेंगे हमारे सतना वासी और लोकल 18 टीम का सारा परिवार कि आप यूरेशियन कप में भी गोल्ड जीतें और भारत का नाम और आगे बढ़ाएं।